हाय व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नई अप्रोच नज़र आ रही है, और उसको कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अमेरिका ये पॉलिसी पहले भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान में मुख्तलिफ अवकात में। अभी जैसे कि दो दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की जो लिस्ट है उसमें डाला अलॉन्ग विद द टर्की। पाकिस्तान ने इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया, और पाकिस्तान ने कहा कि हमने लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए हैं इस हवाले से, और हम इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल और जो हमारे डोमेस्टिक हैं, जिसमें डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एंड स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट्स है, नेशनल एक्शन प्लान है जो कि हमारे यहाँ पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चला रही है, फिर यूएन का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है उसके साथ मिलकर, और बहुत सारे और जो मेजर्स हैं हमने लिए हुए हैं। सो इस तरह की चीज़ जो है ये अनवारंटेड है, अनकॉल्ड फॉर है, और पाकिस्तान ने कहा कि ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और ये फैक्चुअल एरर है, इस पे एक बात तो ये हो गई। लेकिन आज ही क्या हुआ है कि आज अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो वैक्सीन है 2.5 मिलियन डोजेस, ये जो वैक्सीन है वो भेजी है, और ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लगाया कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप है, एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन जो है वो है, और हम COVID-19 को ख़त्म करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इससे पहले ऑब्वियसली ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 80 मिलियन डॉलर की जो डोजेस हैं जो US दुनिया के साथ शेयर कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के साथ भी वो शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी AstraZeneca 1.2 मिलियन डोजेस अंडर कोवैक्स ले चुका है, जिसको US और अदर यूरोपियंस जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। अब मैं इस कैरेट एंड स्टिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैरेट एंड स्टिक में अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ। तो हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि बैक इन 9/11 जो उस वक्त बुश साहब की, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलिजा राइस हुआ करती थी, उन्होंने बेसिकली ये कहा जी कि हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच करेंगे और की पाकिस्तान को स्टॉप करने के लिए कि वो तालिबान के साथ जो है वो अपना कोऑपरेशन बंद करें, और ये पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11 की बात है। और उस वक्त जारी बात है पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता था, हमने रिकग्नाइज किया हुआ था, और हम समझते थे कि सऊदी अरब UAE से भी हमने किसी हद तक रिकग्नाइज करवा लिया था, एक और मुल्क था आई थिंक उसके अलावा। सो दो तीन ममालिक से हमने रिकग्नाइज करा लिया, लेकिन ये कोई डीज्योरे रिकग्नाइज नहीं था, कुछ समवे डिफेक्टो रिकग्निशन थी, मतलब पार्शली रिकग्नाइज करते थे पार्शली नहीं करते थे। और दूसरा ये है कि 9/11 के बाद फिर उन्होंने हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर मजबूर भी किया, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ जो थे उनको ये कहा कि आप जो है वो क्योंकि तालिबान की और अलकायदा का आपस में गठजोड़ है और आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और आपकी सपोर्ट तालिबान की सपोर्ट से अलकायदा स्ट्रेंथनिंग होती है और अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो उस वक्त जो उनसे पहले जो US उनके उसी टेन्योर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल हुआ करते थे, उन्होंने भी मुशर्रफ साहब को कहा कि आप ये जो तालिबान की सपोर्ट है इसको बंद करें। खैर वो खैर ऑब्वियसली एक बड़ी जंग हुई तालिबान की सपोर्ट बंद की, कई लोगों का तो कहना ये है कि उस वक्त जो है वो जनरल मुशर्रफ ने, ये कहा जाता है देयर इज नो आई एम नॉट प्रीवी ऑफ द फैक्ट, कि उस वक्त ये कहा कि नहीं हमें कंटिन्यू करना चाहिए, सो दे केप्ट सपोर्टिंग तालिबान, ऑन द अदर हैंड दे केप्ट सपोर्टिंग अमेरिकन्स एज वेल। सो लेकिन ये एक उस वक्त उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को बड़ा सख्त मैसेज दिया है, टफ मैसेज दिया है कि अगर आपने ये सपोर्ट बंद ना की क्योंकि तालिबान आपके क्लाइंट हैं, तो वो जो रिलेशनशिप आपके साथ है हमारा वो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा और आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो ये जो कॉन्डोलिजा राइस है उन्होंने कहा कि मैंने भी बड़ा टफ मैसेज उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे थे ये मैंने उनको दिया, और हमने अपनी सारी काउंटर टेररिज्म जो पॉलिसी है उसको रिवाइज किया या बना रहे थे उस वक्त, काउंटर टेररिज्म एक प्रॉपर नैरेटिव पूरी दुनिया के लिए इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो जनरल मुशर्रफ क्योंकि एक डिक्टेटर थे तो उनको क्या चाहिए था, उनको एक ग्लोबल पार्टनर चाहिए था, वो अमेरिका की शेप में मिल गया, अफगानिस्तान में एक एनवायरनमेंट मिल गया,
और ही स्टार्टेड वॉकिंग विद द रिपब्लिकन्स. और रिपब्लिकन्स के बारे में ये हमेशा कहा जाता है कि दे लाइक टू सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मैन, दे लाइक टू सपोर्ट द अथॉरिटेरियन रिजीम्स, दे लाइक टू सपोर्ट द डेमोक्रेट्स इन रिस्पेक्ट टू जो डेमोक्रेट्स हैं, दोज हू बिलीव इन लार्जर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये और तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये कोंडोलिज़ा राइस कह रही हैं कि हमने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अडॉप्ट की फॉर पाकिस्तान इन एंडिंग द सपोर्ट टू द तालिबान. वो जो एक सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन बाद में ऑब्वियसली ताल्लुक तो पाकिस्तान का तालिबान से रहा, लेकिन नॉट इन सपोर्टिंग देम बट हैविंग पोलिटिकल कनेक्शंस विद द तालिबान. और वो आज काम आए बिकॉज पाकिस्तान हेल्प इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली दी अमेरिकन को वो चीज़ों को वहाँ पर ठीक कर सके. सो ये भी चलता रहा, और ये साथ साथ ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच उनकी चलती रही. कभी वो हमसे टफ हो जाते थे, उन्होंने कहा, कभी हमें नाराज हो जाते थे, लेकिन ये एक मौका था. यहाँ से अमेरिका ने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच शुरू की एंड फिर ये चलता रहा, लेकिन ज्यादातर कैरेट ही कैरेट चलती रही. पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्री एंड सिविलियन असिस्टेंस मिली. देन अगेन बैक इन 2016 जो है वो 2017-18 में हालात दोबारा खराब हुए, और उस वक्त एक यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट आया, और उस वक्त इसके जो लीड करने वाले थे वो सेनेटर जॉन मकेन थे. वो उस वक्त सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी को हेड कर रहे थे और लेजिस्लेट कर रहे थे. उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दे सकेंगे, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्वियसली टाइम शुरू हो चुका था क्योंकि आप जो है वो अफगान इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं. सो ये एक मामला जो है वो जब मिलिट्री असिस्टेंस मजीद बंद हो गई पाकिस्तान के लिए, तो लेकिन पाकिस्तान ने डिडंट स्टॉप वर्किंग विद द अमेरिकन्स. को कोऑपरेशन बंद नहीं किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कोऑपरेशन अपना जारी रखा, लेकिन इस टेन्योर में पाकिस्तान के लिए मामला जो है मजीद खराब हो गए. और अमेरिका को बार बार ये कहा जाता था कि आप एक इंटीग्रेटेड सिविल मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, मींस के सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस के साथ भी कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कि that will help to forward move forward America's interest in Pakistan and in the region. So ये जो सेनेट ने जो पास किया, इसमें obviously उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे उन्होंने उनके ऊपर ये लग गया कि वो कांग्रेस को बताएं कि पाकिस्तान जो है वो आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर आप ऑथराइज करेंगे तो हम ये आपको पैसे देंगे कि आप पाकिस्तान को पैसे दें, लेकिन अगर आप हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है तो हम नहीं आपको पैसे देंगे. यही हुआ था 1989 में जब लैरी प्रेसलर जो थे, प्रेसलर अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने भी प्रेसिडेंट को ये कहा कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो हमें आपने सर्टिफिकेट देना है कि नहीं बना रहा, तो हम तब आपको पैसे जारी करेंगे, आप पाकिस्तान को पैसे दें. सो ये आप देख रहे हैं ये किस तरह का एनवायरनमेंट बन रहा है. इससे पहले भी जाया जा सकता है, मतलब मैं आपको 1989 का बता रहा हूँ, 2004 में फिर क्या हुआ, फिर अभी 2016-17 में ये क्या हुआ, और फिर अभी ये जो हालात अभी हैं ये ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आप ये समझ लें कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है उसके दरमियान जो मामलात हैं वो ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गए हैं क्योंकि अभी मसला आ रहा है मिलिट्री बेसिस का. और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो कह दिया एब्सोल्युटली नो. अब एब्सोल्युटली नो जो है वो एक बहुत सख्त अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से. 83,000 जाने भी चली गई, $150 अरब का नुकसान भी कर लिया, इतना कुछ इस मुल्क में हो गया, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं. मिसाल के तौर पे आपने अगर इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि ही स्पीक्स टू मच ऑन फॉरेन पॉलिसी, आप देख लें कि अगर फॉरेन पॉलिसी पे वो ज्यादा जो बात करते हैं वो डोमेस्टिक लोग ऑडियंस के लिए करते हैं, वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नहीं करते, और जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बात होती है वो बड़ी क्रूड होती है. मतलब आप अपने जनरल पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट्स उभार रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, सो दैट टू टेल द जनरल पब्लिक नहीं मैं पाकिस्तान को बेचूंगा नहीं, मैं पाकिस्तान को बेचूंगा नहीं. तो ये जो जनरल बंदा है, ले मैन, स्ट्रीट मैन जो है, उसके लिए इमरान खान साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं, और इतना ज्यादा बोलते हैं अमेरिका के ऊपर, हम ये इतना ज्यादा बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं. अगर आप किसी भी डिप्लोमेट से बात करें तो वो कहेंगे कि ये दिस इज एन अननेसेसरी अप्रोच. तो
अभी हमें उन्होंने वैक्सीन भी भेज दी और भी कोऑपरेशन रखेंगे, हमारे फौजियों को ट्रेनिंग भी देंगे, साथ में हमें चाइल्ड रिक्रूटर लिस्ट में डाल दिया, कल को ये और भी हमारे साथ कोई टफ अप्रोच लेंगे। सो अमेरिका अगेन समझता है कि ये जो बेस्ट स्ट्रेटजी पाकिस्तान के साथ डील करने की है वो कैरेट एंड स्टिक है। दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, देयर इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कि ये ऐसे हो सकता है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो इमरान खान साहब की जो अप्रोच है, एब्सोल्युटली नो, दिस इज नॉट अ डिप्लोमैटिक एंड पोलिटिकल अप्रोच, दिस इज अ वेरी वेरी इरेशनल अप्रोच इमरान खान की एज ए लीडर, एज ए स्टेट्समैन। ही शुड बी मोर कॉशियस, ही शुड बी मोर सॉफ्ट, और उनको ही शुड बी मोर अकोमोडेटिव, because it's not about Imran Khan and his power, it's about the country, it's about the state of Pakistan. ye Pakistan ke liye important hai jo faisle hone chahiye. agar Pakistan ke liye important nahi hai to na faisle le and take all on board, sari nation ko on board le taki at least pata ho ki bhai agar ye cheeze ho rahi hain to ye nation ka faisla hai, ye Imran Khan ka akele ka faisla nahi hai. so there are two different things jo hame is waqt karni hai, lekin ye jo carrot and stick approach hai America ki, That is in process. ये start हो चुकी है दोबारा। 2018 में इन्होंने आपको पता है वो सारी बंद कर दी थी, जिसे मैंने पहले आपको बताया कि जॉन कैरी के जमाने में, और फिर उससे पहले भी कॉन्डोलीज़ा राइस की बात की, उससे पहले भी ये सारा कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब के जमाने में और उनकी उनकी इस तरह की अप्रोच से आई बिलीव सम ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्टर्ब, आई होप, बट लेट्स सी, मच मोर टू कम। Lekin the more Biden administration is silent, this is not good. Because if they are not speaking loudly, if they are not speaking much, we have yet to understand. और याद रखें ट्रंप साहब जो थे, उन्होंने भी एक साल बाद एक ट्वीट की थी और पता चला था हालात खराब होगा, लेकिन बाद में फिर उन्होंने खत भी लिखे, तरले चले भी की, हमारी मदद करो यार, ये करो वो करो, तालिबान के साथ बैठा रहे, इमरान खान को खत लिखा था उस वक्त। लेकिन बाइडेन अभी साइलेंट है, अब पता नहीं ये ऊंट किस करवट लेता है, या तो वो ऑफेंसिव हो जाएंगे, या वो कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे, या थोड़े डिफेंसिव होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डेमोक्रेट्स होते हैं, दे आर मोर वाइज एंड मोर, दे प्ले मोर स्ट्रेटेजिक, सो दे विल गो स्लो। बट ये जिस तरह उन्होंने चाइल्ड रिक्रूटर लिस्ट में डाला, इस तरह की और चीजें आएंगी, और हो सकता है आपको FATF से भी ना निकलने दें अभी मजीद, बिकॉज वो भी मसला उतना ही गंभीर है। बिकॉज जो जिन लोगों को वो कहते हैं जो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे हाफिज सईद एंड अदर्स, वो तो अभी केस चल रहा है और सजाएं हो रही हैं, लेकिन दे कैन प्रोलॉन्ग इट, और इसके ऊपर वो लंबी भी बात जा सकती है, टू पिंच पाकिस्तान एंड टू कीप, जिसे कहते हैं ना आपके सर के ऊपर तलवार रखना। सो लेट्स सी हाउ इट एंड्स। थैंक यू।